अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी अपडेट देता फिरूँ कि यार उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक था और मेरे घर वाले बहुत पैनिक हो गए थे क्योंकि भैया बहुत तेज भागता हुआ आया था, उसने जो जो सिचुएशन बताई थी तो उसको कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगा दी थी तो मैंने डिलीट कर दी है फिर वो स्टोरीज, लेकिन वो चल रही हैं आगे पीछे। और अच्छी चीज़ है कि यार लोग अवेयर है, लेकिन मैं छोटे से एक बात करना चाहता हूँ कि यार अगर जो कोई देख रहा है, अगर जो जिसने जो चोरी करता है या करने का सोच रहा है, देखो एक चीज़ है यार, देखो बहुत मजबूरी है, सही है, कोई मजबूरी में ही चोरी करता, फजूल कोई भी नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मुल्क का हालात ठीक नहीं है, जॉब नहीं है, तो लोगों को ये चीज़ ईजी लगती है, लेकिन इसमें उनको भी ख़तरा होता है और जिससे वो छीनते हैं उसको भी ख़तरा होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि यार बस अगर चोरी करो ना तो किसी के कीमती सामान लेके नहीं जाओ यार। भाई ये आ गई है 125 और ये आ गई है उनकी शक्ल, सेम यही बाइक थी ना, यही थी, और ये है भाई शक्ल और ये पीछे वाले का वीडियो।